हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के साथ जो कि सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई कमेंट है या कोई आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे किस प्रकार स्ट्रिंग में हम पॉइंटर को यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक कैट टाइप का मैंने डेटा टाइप लिया, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग दो बनाई है, एस वन एस टू, ठीक है। एस टू में मैंने क्या किया फ्रेंड्स, वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। हम ऊपर इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसमें इनिशियलाइज कर लिया है फ्रेंड। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, एस वन इजिकल टू एस टू किया। क्या मैं स्ट्रिंग के क्या इस तरीके से वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है हमारी नॉर्मल में? नहीं हो सकती, ठीक है। हम करेक्टर की इस तरीके से एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए हम पॉइंटर द्वारा क्या करेंगे। पॉइंटर मैंने एक एस पी वन एस पी टू दो पॉइंटर वेरिएबल बना लिए करेक्टर की डेटा टाइप की, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये क्या है, ये हमारा करेक्टर इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज कर लिया वैल्यू को, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एस पी वन ये फ्रेंड्स क्या करेगा, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या करता है, एड्रेस होल्ड करेगा। ये क्या करेगा, ये चीज को समझिए कॉन्सेप्ट को। ये क्या करेगा, ये एक एड्रेस को ले आकर इसको प्लेस कर देगा, ठीक है। उसके एड्रेस को जहां पे ये प्लेस करेगा उसके एड्रेस को ये होल्ड कर लेगा, ठीक है। एसपी वन तो ये क्या करेगा, अब जब भी एसपी वन एसपी टू भी जो भी मान लीजिए, तो ये क्या किस पे तरीके ट्रांसफर करेगा, ये क्या ट्रांसफर करेगा, ये एड्रेस को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम किस पे वर्क कर रहे हैं, हमारे पॉइंटर पे किस पे काम होता है, एड्रेस पे। तो इस तरीके से हम जो भी इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसपी वन है, फिर यहाँ पे एसपी टू कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एसपी वन कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसने इसको एड्रेस को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हम किस पे काम कर रहे हैं पॉइंटर में, एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। इस तरीके से देखिए एस टू में क्या किया है। अब देखिए एक बार इनिशियलाइज कर सकते हैं हम, सिर्फ स्ट्रिंग को एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर दूसरी बार हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एस टू को मैंने इनिशियलाइज करने की कोशिश की तो उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, परंतु आप देखेंगे पर हमारा ये किस टाइप का ऑपरेटर है, पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसको हम इनिशियलाइज दूसरी बार भी कर सकते हैं। तो इधर ये सही होगा, यहाँ पे कंपाइल एरर देगा, यहाँ पर नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से इसमें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, सिर्फ एड्रेस पे वर्क करता है, तो इसके भी ये एक एड्रेस पे ले आके इसको स्टोर कर देगा, एड्रेस ये एसपी टू होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से एक प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कैर नाम का मैंने डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के लिए एस टी एल ने वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसमें स्ट्रिंग का साइज रखिए 6, ठीक। इसके अंदर मैंने जो वैल्यू असाइन कर दी है हेलो कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से अब कुछ इसका इंडेक्स होगा, जो हमारे जो एरे के जो स्ट्रिंग एरे है करेक्टर एरे है, तो उसमें किस तरीके से वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारा नल करेक्टर होता है जो हमारे स्ट्रिंग में होता है हमेशा, स्ट्रिंग जब भी होगी जब इसमें नल करेक्टर होगा, ठीक है। तो उसके ये क्या होगा, ये एड्रेस है, क्योंकि हमारा डेटा टाइप जो इसका कैर जो डेटा टाइप होता है उसका साइज एक होता है, तो उसके हर एक बाइट के बाद एक नया एड्रेस होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली होगा 1001, 1001, 1002, इस तरीके से 1005 तक जो उसमें साइज रहेगा, ठीक है। वो इस तरीके से इंडेक्स है और ये वैल्यू है, ये आ रही है, ठीक है, और ये एड्रेस है, ओके। देखिए फ्रेंड्स आप देखिए हम किस उसको, आप देखिए मैंने एक क्या किया, पहले एस टी आर मैंने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, स्ट्रिंग का। अब मैंने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, इसमें क्या कर दिया मैंने एस टी आर को होल्ड कर दिया। तो ये क्या करेगा फ्रेंड, एस टी आर को इस तरीके से हम करेंगे तो ये एस टी आर की एड्रेस को होल्ड कर लेगा, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं इस तरीके से, ये एस टी आर में हेलो था, ठीक है, जो हमारी इंडेक्स थी, तो ये इंडेक्स जीरो वाली के क्या साथ बेसिक वाले उसके जो जाने स्टार्टिंग हुई उसके बेसिक बेस से उसका एड्रेस होल्ड कर दिया पीटीआर में। इस तरीके से पीटीआर में क्या है, पीटीआर हमारा क्या था, पॉइंटर वेरिएबल था कैरेक्टर टाइप का, तो वो क्या करेगा एड्रेस होल्ड कर लेगा, ठीक है। पीटीआर में एड्रेस आ गया और यहाँ पे देखिए ये एड्रेस है पीटीआर का, जहाँ पे पीटीआर एक वेरिएबल बना हुआ उसका एड्रेस होगा, ठीक है। पीटीआर ने क्या करा और जो हमारा एड्रेस होल्ड कर लिया स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस होल्ड कर लिया, ठीक है। प्रोग्राम में आते अपने प्रोग्राम में कैसे तरीके से एस इंक्लूड एस टी डी डॉट एच, ठीक है, एक एड्रेस वाली की, फिर मैंने इंट वॉइड मेन, ठीक है। तो आप इसमें वॉइड ये है कि कुछ नहीं है, तो उसका आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंट मेन है तो इंट टाइप का मैं कोई रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ना भी ये कि मेरे कैरेक्टर टाइप का
कैर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें स्ट्रिंग मैंने बनाई, ठीक है, जिसका साइज मैंने 6 दे दिया जो कि एरे का साइज 6 है, ठीक है, इसमें वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम इसे ऊपर असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने फिर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया कैर टाइप का, क्योंकि सेम डेटा टाइप की ही वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एड्रेस होल्ड कर सकता है, इसलिए मैंने इसलिए सेम डेटा टाइप का रखा, ठीक है। एसटीआर यहाँ पर एसटीआर वेरिएबल था, स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, तो उसका इसका एड्रेस बेस एड्रेस इसे मिल गया इस तरीके से लिखने से, इसको एक पीटीआर में एड्रेस होल्ड हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अब ये हमारा मेन है कि हमारा हैश स्ट्रिंग पीटीआर क्या होता है, ये क्या करेगा फ्रेंड, उस जो वैल्यू पर, ठीक है, ये क्या करेगा फ्रेंड, समझिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्ट्रिंग पीटीआर क्या काम करेगा फ्रेंड्स, ये पीटीआर में क्या है, हमारा एड्रेस स्टोर है किसका, एसटीआर का, तो ये स्ट्रिंग साइन उसको कहाँ ले जाएगा, पीटीआर पर ले जाएगा, सॉरी एसटीआर के जो वैल्यू स्टोर है उस एड्रेस पर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पीटीआर स्ट्रिक साइन लगाने से उस इस पर्टिकुलर 1000 वाले पर के एड्रेस पर ले जाएगा जो कि क्या वैल्यू है, एच, तो इस तरीके से हम एच प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से इसको देखेगा, ठीक है, एच प्रिंट होगा और इसी तरीके से ये इसको रीड करेगा जब तक इसे नल पॉइंटर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। देखिए समझते हैं फिर क्या होगा फ्रेंड्स, ये पीटीआर प्लस प्लस होगा, ये इसमें क्या एड्रेस, पीटीआर में क्या हमारा एड्रेस स्टोर है, तो 1001 होती क्या होगा फ्रेंड्स, 1001 होती हमारा ये क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 1001 होती इधर आने दूसरी जो ई वाली लोकेशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है, ई वाली लोकेशन पर आएगा सी, ठीक है, पीटीआर प्लस होगा तो 1001 हो गया, तो इसे चेक करेगा इसकी एड्रेस पे क्या 1001 के एड्रेस पे क्या ई मिला, तो ये नल पर नल करेक्टर नहीं है, तो ये फिर से आएगा, तो फिर क्या करेगा, ई को प्रिंट कर देगा, इस तरीके से ये काम करता रहेगा, ठीक है। या पीटीआर में क्योंकि ये पीटीआर इंक्रीमेंट किसका होगा, क्योंकि इसमें एड्रेस होल्ड है एसटीआर का, तो उसी वजह से इसका इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम काम करता है, इस तरीके से हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा इंट टाइप का है फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन इंट टाइप का, तो इसलिए इसमें रिटर्न 0 कर दिया मैंने, ठीक है, तो रिटर्न 0 करने के बाद उसको ब्रैकेट लगा दें, यहाँ से इसका व्हाइल लूप का क्लोज कर देना है, ठीक है, इस तरीके से इसको क्लोज करके कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हैश देखिए, अब दूसरे एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मेन सेम रूल, आप वर्ड चाहे तो ले सकते हैं चाहे तो एम्प्टी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब पिछली बार हमने एक स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल लिया था, अब यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल लिया है, ठीक है, कैर लिया, एस्ट्रिक साइन लगाया, पॉइंटर ऑपरेटर का साइन लगाया, एसटीआर पीटीआर, अब इसमें क्या करा फ्रेंड्स, वैल्यू को असाइन कर दिया, तो ये क्या करेगा, क्योंकि हमारा ये क्या है पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, जहां पर इस हेलो को इस एक मेमोरी देगा वहां पर उसके लिए एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को एसटीआर पीटीआर होल्ड कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, अब मैं एक टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, अब इसके द्वारा मुझे प्रिंट कराना है, तो कैर एस्ट्रिक यानी पॉइंटर फिर टी लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक और पॉइंटर वेरिएबल बना लिया, अब इसमें क्या कर दिया, एसटीआर में जो एसटीआर पीटीआर में जो वैल्यू थी यानी वो एड्रेस था, ठीक है, किसका, हेलो का, जहां पे उसकी मेमोरी क्रिएट करी हुई, तो वहां पर वो क्या किधर आ गया, टी पर एड्रेस ने होल्ड कर लिया, ठीक है, टी भी एक पॉइंटर टाइप का वैल्यू, सेम डेटा टाइप का, तो इसने होल्ड कर लिया। फ्रेंड अब देखेंगे यहाँ पर एस्ट्रिक टी में क्या है, किसका एड्रेस है, एक हेलो का एड्रेस है, तो उसका एड्रेस पर ही जाकर वहां पर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस एड्रेस पर जाएगा, वहां पर एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उस पर सेम एड्रेस है, सेम टू सेम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नल को अब जी चेक करेगा नल करेक्टर है कि नहीं, तो वहां पे आने से नल करेक्टर नहीं मिलेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। प्रिंट एफ मैंने किया परसेंट सी, ठीक है, परसेंट सी लिखा, तो अब ये क्या करना है, परसेंट और फिर से मैंने पॉइंटर और टी लिख दिया, तो इससे क्या होगा, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जिस एड्रेस पे होगी, ठीक है, तो इस एड्रेस पे आपने मान लीजिए हमारी 1000 होगा, तो उस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। फिर यहाँ पे हमने क्या करा फ्रेंड, ये टी प्लस प्लस कर दिया, ये क्या करेगा, जो एड्रेस होल्ड होगा, ठीक है, हेलो का जो एड्रेस इसके एसटीआर पीटीआर के द्वारा इसमें टी में आया, तो वो एड्रेस वो उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है, और इंक्रीमेंट करके यहाँ पे चेक करता रहेगा क्या ये नल करेक्टर मिला कि नहीं, अगर नल करेक्टर नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट वाले एड्रेस में जो वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये काम करेगा। एक बार इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कैर एसटीआर का हेलो है, ठीक है, ये हेलो को कहीं पर एक उसने स्थापित किया होगा, ठीक है, हेलो को एक किसी लोकेशन मिली होगी, तो उसका एड्रेस ही होगा, क्योंकि हमारा
कैप जो होता है एक बाइट का साइज होता है, तो उसका हर एक नेक्स्ट बाइट के बाद उसका चेंज होता है लोकेशन, ठीक है, दूसरा करेक्टर आता रहेगा। तो एच ई एल ओ ऐसे तरीके से इसका मेमोरी एलोकेशन हो गया, ठीक है, ये नल करेक्टर लास्ट में रहेगा, इंडेक्स ये होगा जीरो से लेकर इस तरीके से, ठीक है। और एच टी आर पी टी आर में क्या होगा, हमने जो एच टी आर पी टी आर में यहाँ पे क्या करा था, उसका एड्रेस आ गया, ये बेस एड्रेस आ गया उसका, ठीक है, 5000, ठीक है, उसका ये एक एड्रेस एच टी आर पी टी आर का एड्रेस है। अब हमने फ्रेंड उसमें क्या किया था, फ्रेंड एच टी आर पी टी आर के द्वारा हमने टी में एक उसका एड्रेस स्टोर करा दिया, ठीक है। तो टी में भी क्या है, सी का एड्रेस है, ठीक है, जो हेलो का एड्रेस जहां पे स्थापित हुआ है उसका एड्रेस है, तो इन दोनों सेम ही है, ठीक है। इसका भी कुछ एक मेमोरी एलोकेशन करेगा, तब जब इसका वेरिएबल बनाए तो उसका भी कुछ जगह होगी, उसका भी एड्रेस होगा, तो उसका भी एक एड्रेस है, ठीक है। इस तरीके से ये सेम हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था, आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।